अगर आप सभी से पूछा जाए कि 2023 में कौन सा मोबाइल गेम आपका फेवरेट बनेगा तो सभी का अलग अलग गेम होगा, लेकिन उन गेम में से इन तीन गेम का इंतजार हर कोई कर रहा है, चाहे वो बच्चा हो या फिर बूढ़े। अच्छा, जिसमें से पहला गेम है वॉरजोन मोबाइल, दूसरा है द डिविजन रिसर्जन मोबाइल, और आखिरी वाला तो जिसका हम भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इसी साल रिलीज होने का, वो है कार एक्स स्ट्रीट। बात तो सही है। तो आज इस वीडियो में इन तीन ही गेम्स के अपडेट को कवर करने वाले हैं। अपडेट क्या क्या है? कार एक्स स्ट्रीट एंड्रॉइड के लिए आज रिलीज होने वाला था, लेकिन ये तो रिलीज होने से रहा, तो नेक्स्ट रिलीज डेट कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दूसरा है वॉरजोन मोबाइल का 2.1 अपडेट, जो बहुत ही जल्दी हम सभी के पास आ जाएगा। और आखिर में द डिविजन रिसर्जन मोबाइल के ऊपर भी कुछ अपडेट्स है नए स्किल्स को लेके, तो पूरा वीडियो को जरूर देखना सब कुछ जानने के लिए। पर उससे पहले वीडियो पे काफी ज्यादा मेहनत किए हैं, तो लाइक करना तो बनता ही है, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए आए हो, आने वाले वीडियोस भी देखना चाहते हो कुछ इसी तरह से, तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर लेते नीचे रेड कलर के बटन को दबा के। अभी रेड नहीं है, सब्सक्राइब बटन हो चुका है। तो पहला अपडेट द डिविजन रिसर्जन मोबाइल को लेके है। जो खेल पा रहे हैं इस गेम को उनके लिए तो मजे ही मजे, लेकिन दूसरी तरफ मैं तो इसी तरह से मैं हर दिन तकिए के नीचे रोता रहता हूँ कि कब इस गेम को मैं अपने एंड्रॉइड डिवाइस में खेल पाऊँ। लेकिन अभी वुलवर्क नाम का एक जो कैरेक्टर है गेम में, उसका दो स्किल को अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें से पहला है फलंग सीड। अगर प्रोनाउंसिएशन पे गलती हो तो यार माफ कर देना, शायद ये स्किल ऑलरेडी गेम में है, मैं काफी लेट अपडेट आप सभी को दे रहा हूँ। अगर इस स्किल को आप यूज करोगे तो आपको डैमेज बहुत ही कम पड़ेगा। और दूसरा है शॉक वेव स्पाइक MK3। इसे यूज करते ही ग्राउंड में एक शॉक वेव क्रिएट करेगा और जितने भी सारे आपके आसपास एनिमीज रहेंगे उनके रेंज को शॉर्ट कर देगा कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो जाओ अभी तक यूज नहीं किए इन सब स्किल को तो गेम को खेलते हो जरूर यूज करना। दूसरा अपडेट वर्जन मोबाइल को लेके है। जो गेम खेल रहे हैं या फिर जिस भी डिवाइस में ये गेम इंस्टॉल पड़ा हुआ है उनके पास नोटिफिकेशन आ रहा है कि बहुत ही जल्दी एक नया अपडेट गेम में मिलेगा, जिसका वर्जन होगा 2.1 का। लेकिन इस अपडेट में क्या कुछ चेंजेस होंगे उसके बारे में मुझे भी कुछ पता नहीं, लेकिन अपडेट जरूर आएगा। और डिवाइस के ऑप्टिमाइजेशन को लेके कुछ अपडेट आया है जो बुरा खबर है। इससे पहले एंड्रॉइड डिवाइस में इस गेम को खेलने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए था 3GB और 4GB, तो अभी उससे बढ़ा के 6GB कर दिया गया है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जिसे काफी सारे डिवाइसों में ये जो गेम है प्ले स्टोर पे नॉट कंपैटिबिलिटी का मैसेज शो हो रहा है, शायद फ्यूचर के अपडेट के बाद इसे भी फिक्स कर दे, यानी लो एंड डिवाइसों के लिए भी ऑप्टिमाइज कर दे। लेकिन तब तक तो हमें इंतजार ही करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी 6GB के लिए गेम अभी तक अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है। मैं खुद 6GB यूज करके इस गेम को खेलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन खेल नहीं पा रहा हूँ। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो देखते हैं आगे एक्टिवेशन इस गेम के ऊपर कैसे काम करते हैं। ऑब्वियसली अभी फिलहाल टेस्टी वर्जन चल रहा है और बीच में रिवर्ड मैप का भी रूमर्स है, समझ रहे हो। तो अब आ जाते हैं वीडियो के मेन इवेंट में, यानी कार एक्स स्ट्रीट कब एंड्रॉइड डिवाइस में रिलीज होगा। तो आज है वो डेट जिसमें हम सब उम्मीद कर रहे थे, यानी 15 तारीख को ये गेम रिलीज होने का था। हालांकि ऑफिशियल अपडेट तो नहीं था लेकिन सभी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि एंड्रॉइड डिवाइस में आज ही रिलीज होगा। लेकिन जब तक इस वीडियो को हम बना रहे हैं गेम का कोई अता पता नहीं है और इस पे प्रॉपर अपडेट भी नहीं दिया गया है अभी तक। अगर आप उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को चेक करोगे तो उनका लास्ट पोस्ट आया था कार एक्स ड्रिफ्ट ऑनलाइन गेम को लेके, जिसमें कुछ 2.15.0 का अपडेट रोल आउट हुआ है। तो अगर आप इस गेम को खेलते हो अपडेट कर सकते हो। बेसिकली जब भी इनके तरफ से कुछ नया अपडेट पोस्ट किया जाता है, यानी ट्वीट किया जाता है, उसके नीचे जितने भी सारे कमेंट्स आते हैं उसका रिप्लाई वो जरूर देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस ट्वीट के नीचे किसी को भी डेवलपर ने रिप्लाई नहीं दिया, तो इससे क्या पता चलता है कि गेम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और एक ही बात को रिपीट करना नहीं चाहते हैं कि इसी महीने इस गेम को रिलीज कर सकते हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, हमको पागल बना रहे। तो अभी भी हम होप लगा के बैठे हुए हैं कि इसी मंथ ये गेम रिलीज होगा, यानी दिसंबर मंथ को। कैसे, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आप सबको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से जाके देख लेना। लेकिन जब तक ऑफिशियल डिले के बारे में नहीं आता है तब तक हम कुछ भी बता नहीं सकते। उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि इसी महीने ये गेम रिलीज होगा,
पीसी के लिए तो ऑब्वियसली ये डिले हो चुका है, नेक्स्ट ईयर ही शायद ये गेम रिलीज होगा पीसी के लिए। लेकिन यार ऐसा ही अगर चलता रहा आगे भी, खासकर एंड्रॉइड डिवाइस यूजर इस गेम से इंटरेस्ट कमा लेंगे। तो रिलीज के लिए हम सबको वेट ही करना है, और कुछ तो कर नहीं सकते, लेकिन आप सब तीन काम जरूर कर पाओगे, वो है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप इसी तरह से फ्यूचर में भी हमारे वीडियोस को देखते हुए एंजॉय कर पाओ। कर लो यार साइड के लोगो बटन को दबा के। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्रिएशन फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।